जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे मीनाक्षी टेक्सटाइल्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। टेक्सटाइल सेक्टर का एक छोटा सा स्टॉक है और काफी दिनों से इसमें गिरावट हो रही है, और गिरावट होने की वजह से इसके जो न्यूली इन्वेस्टर्स हैं, मतलब जो हाल फिलहाल के दिनों में इस कंपनी में पैसा लगाए हैं, उनकी चिंता काफी बढ़ गई है। जो पहले से इन्वेस्टमेंट किए हैं, थोड़ा कम प्राइस पे बाई किया होगा और उनका विजन लॉन्ग टर्म के लिए होगा, तो लॉन्ग टर्म कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा ही, तो उसलिए उनके लिए इतनी चिंता की बात नहीं होती जितना नए व्यक्तियों के लिए शेयर के प्राइस होते हैं। खासकर जब वो टॉप पर जाकर किसी कंपनी के शेयर को बाई कर लेते हैं तो वहां पर उनके लिए दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो इस दिक्कत को इस वीडियो में आपको दूर करने का प्रयास करूंगा। आपको मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। आपका कहीं पर भी बाई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको सारी तकलीफों को दूर करने का प्रयास करूंगा। शुरुआत शुरू से करेंगे। आगे पढ़ने से पहले मैं आपको लेकर चलता हूं बीएसई वेबसाइट पर, वहां पर परेशानी बता देता हूं, फिर उस परेशानी का हल ढूंढेंगे इस वीडियो में। तो अभी देखिए, अब हम लोग यहाँ पर आए हैं बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर। बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर मीनाक्षी टेक्सटाइल्स लिमिटेड को मैंने ओपन किया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टॉक जीएसएम कैटेगरी में तो नहीं है, लेकिन ईएसएम के स्टेज में है। ये ईएसएम स्टेज क्या होता है? बेसिकली सेबी के द्वारा कुछ सर्विलांस कैटेगरी बनाई गई है। किसी स्टॉक को जब जांच परख करने के लिए सर्विलांस में रखा जाता है तो उसको अलग अलग नाम दिया जाता है, जीएसएम या ईएसएम। ईएसएम थोड़ा जीएसएम से बड़ा होता है, एनहांस सर्विस लाइन्स मेजर होता है इसका फुल फॉर्म, और इसमें भी स्टेज टू में है। अब इसमें क्या होगा कि सामान्यतः जब ये स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जा रहा होता है या बहुत तेजी से नीचे आ रहा है, तो तभी ये स्टॉक ईएसएम या जीएसएम की कैटेगरी में जाते हैं। तो अभी तो आपको पता है कि स्टॉक पिछले कुछ दिनों से देखेंगे तो लोअर सर्किट में चल रहा है, यानी कि स्टॉक का प्राइस आपको तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है, जिस वजह से सेबी ने इसमें जांच परख के लिए इसको ईएसएम की कैटेगरी में रखा है कि प्राइस आखिर इतना तेजी से नीचे क्यों आ रहा है। और मैं आपको चार्ट पर बताऊंगा प्राइस कितना नीचे आ सकता है, कब तक नीचे आ सकता है, कहाँ पर आकर फिर प्राइस ठहरेगा और फिर प्राइस यहाँ से ऊपर उठेगा, ताकि आपको जो भी लॉसेज हो रहे हो उसकी भरपाई हो सके। तो ये आप बात समझ गए इसमें क्या दिक्कत और क्या परेशानी है। अब इसका हल ढूंढने के लिए हम चलते हैं फिर से स्क्रीन की साइड पर, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इसमें करना क्या है। यहाँ पर हम लोग आ गए हैं मीनाक्षी टेक्सटाइल्स लिमिटेड को फिर से ओपन करते हैं। चार्ट पर आगे बाद में चलेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम लोग कंपनी के काम और फंडामेंटल को समझ लेते हैं। जैसे आपको नाम से स्पष्ट है कि ये कंपनी जो है कॉटन एंड कॉस्टन मिक्सचर फैब्रिक्स बनाती है, यानी कि टेक्सटाइल से जुड़ी कंपनी है। तो टेक्सटाइल के सेक्टर में आपको तमाम जो कपड़ा बनाने वाली चीज़ें होती है, खासकर फैब्रिक और कॉटन संबंधित, वो चीज़ें इसमें आती है। तो टेक्सटाइल का वैसे भी ओवरऑल देखें तो हमारे जो देश की गवर्नमेंट है उसका टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री है उस पर खासा मेहरबान है, और गवर्नमेंट का ये प्लान है कि भारत को टेक्सटाइल के सेक्टर में नंबर वन बनाना है। तो इसलिए टेक्सटाइल के सेक्टर में जो काम करने वाली कंपनियां होती है, यदि उसमें आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपका उसमें बेशक बने रहना चाहिए और समय देना चाहिए, चाहे आप नए में न्यूली इन्वेस्टर हों या इसके पुराने भी इन्वेस्टर्स हों। तो काम के बेसिस पे तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट आपका है तो वो ठीक नजर आता है। आप बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल की। अब यहाँ पर यदि फंडामेंटल देखें तो मार्केट का तकरीबन 13 करोड़ के आसपास है, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है। इतनी छोटी कंपनियों में सामान्यतः जिस कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ से कम हो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, वरना इसको इजीली कोई भी मैनेज कर सकता है। आप 10 करोड़ 12 करोड़ रुपये कौन सी बड़ी चीज़ है, किस कोई भी व्यक्ति इस हिसाब से एक नया अपना कंपनी खोल सकता है, और उसमें आप पैसे लगाएंगे तो फिर आपको उसमें लॉस होने के चांसेज रहेंगे। तो मार्केट कैप काफ़ी कम है, स्टॉक का पी इसीलिए यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, क्योंकि सामान्यतः पीने स्टॉक में पी ऐसे भी नहीं होता है। स्टॉक का जो शेयर प्राइस है बुक वैल्यू से भी ज़्यादा, ये बढ़िया बात है, लेकिन जो रिटर्न ऑन इक्विटी है और जो आरओई है यह देखिए माइनस में, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पर कुछ रिटर्न तो साल भर में नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि कहीं आपका रिटर्न जो है वो माइनस में चला जाए साल भर में। हालांकि ऐसा सामान्यतः होता नहीं है प्रैक्टिकल रूप से, लेकिन मैं आपको चार्ट को बताता हूँ एग्जैक्टली मैं आपको करना क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे अब हम लोग 1 साल के चार्ट पर आ रहे हैं, और 1 साल के चार्ट पर देखिए ये जो इसके लिए लेवल था 2 रुपये का, इसके इसको पॉइंट कीजिए, और 1 रुपये 1.5 पैसा जो 50 पैसे का लेवल इसको पॉइंट कीजिए। काफ़ी दिनों से स्टॉक इसमें कंसोलिडेट कर रहा था, जब भी कोई स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में होता है काफ़ी दिनों से तो उसके बाद उसमें एक लंबा ब्रेकआउट होता है, यहाँ पर भी ब्रेकआउट हुआ। अब ये होता है या किया जाता है ये अलग बात, इसी में नहीं फंसना है, हमें बस ये जानना है कि ब्रेकआउट होता है। जो लोग ये बात समझते थे यहाँ पर संकेत मिलने लगा था, लोगों ने यहाँ पर पैसा लगाया, यहाँ पर पैसा बनाया, अब चूंकि बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गया तो यहाँ पर मैनिपुलेशन के भी चांसेज हो सकते हैं। छोटी कंपनी कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है, प्राइस थोड़ा सा करेक्ट करने नीचे आया, फिर बढ़ा, फिर प्राइस नीचे आ रहा है। अब देखिए, अब सामान्यतः होना ये चाहिए कि ये जो 2.5 रुपए का लेवल है यहीं से इस कंपनी के शेयर प्राइस को फिर से सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहां पर भी कहीं ना कहीं आपको डब्लू टाइप का भी फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है, और जब भी चार्ट पर डब्लू बनता है एक तेजी उसमें आती ही आती है। तो आपका यदि इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे किसी भी लेवल पर आप इसमें पैसा लगाए हैं, यहाँ पे बाई किए हैं, यहाँ पे बाई किए हैं, एकदम टॉप पे बाई किए हैं, फिर भी आप 2.5 रुपए तक आने तक इंतजार कीजिए। 2.5 रुपए से आके प्राइस ऊपर थोड़ा सा नीचे हल्का फुल्का आ सकता है, लेकिन 2.5 रुपए के लेवल तक वेट कीजिए, और यहाँ से फिर प्राइस ऊपर जाएगा, और फिर आपको कम से कम 4 रुपए तक तो इजीली आपको जाते हुए दिखेगा। तो आप चाहें तो यहाँ पर जब 4 रुपए तक प्राइस जाएगा तो यहाँ पर आप बेच के निकल जाइएगा, या नया एंट्री तो अभी इसमें मत लीजिए, क्योंकि स्टॉक का फंडामेंटल उतने बेहतरीन नजर नहीं आते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है तो टेक्सटाइल सेक्टर की दूसरी तमाम कंपनियां जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है उसमें पैसा लगा सकते हैं। इसमें पैसा लगाने की सलाह अभी नहीं दी जाएगी। जिसका इसमें पहले से इन्वेस्टमेंट है वो बस वेट करेगा जब तक इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़कर फिर से 4 रुपए तक नहीं जाता, और यहाँ पर आप अपना माल बेच के निकल जाइएगा।
यदि हम लोग इस कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट में देखेंगे जो कंपनी का सेल्स है पिछले क्वार्टर मुकाबले इस बार कम हुआ, और लगातार देखेंगे तो पिछले दो तीन क्वार्टर से यहाँ पर सबसे ज्यादा हुआ था, और उसके बाद देखेंगे तो लगातार के दो क्वार्टर रिजल्ट पिछले क्वार्टर मुकाबले खराब ही आए हैं। साथ में जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे तो वो भी माइनस में है, माइनस में इस बार चला गया और कुछ ज्यादा ही माइनस में चला गया जो कि नहीं जाना चाहिए था। और जो कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं यानी कि जो प्रमोटर्स हैं उनकी हिस्सेदारी आपको यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट में बढ़ते हुए दिखी है, ये थोड़ी सी राहत देने वाली खबर है। जैसे मैंने बताया टेक्सटाइल सेक्टर का कंपनी है तो इसमें प्रमोटर्स तो रहेंगे और आपका इसमें भरोसा भी रहना चाहिए, लेकिन चूंकि फंडामेंटल उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है इसलिए अभी इसमें सलाह करने इन्वेस्ट करने की सलाह आपको नहीं दी जाएगी। आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है तो फंडामेंटल ग्रो होने तक वेट कर सकते हैं या जो चार्ट में मैंने लेवल बताया है वहां पर काम करके उस हिसाब से आप इसमें एग्जिट या एंट्री ले सकते हैं। एंट्री की तो मैंने बताया ही नहीं, मैंने एग्जिट का बताया कहाँ पे आपको एग्जिट करना है यदि हाल फिलहाल के दिनों में आप इन्वेस्टमेंट किए हैं तो, और आप उसमें से जो काफी नीचे इसको बाई किए हैं तो बेशक आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मीनाक्षी टेक्सटाइल को सोच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इसके बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आ रही होगी। मन में कोई सवाल है कोई कन्फ्यूजन मन में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।